आपके पावर प्लांट के बारे में बात करना चाह रही थी। मुझे ये लगता है कि फिलहाल हमें ये प्रोजेक्ट रोक देना चाहिए। वो इसलिए कि नया प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप मेरी इस बात से अग्री नहीं करती तो शायद हम इस प्रोजेक्ट पे पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते। मेरा आपके किसी भी फैमिली अफेयर से या इस प्रोजेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। और जहाँ तक बात रही इस पावर प्लांट की, तो मैं अपनी मिट्टी के साथ झूठ नहीं बोल सकती। ये प्रोजेक्ट अगर मेरे बाबा साईं का भी होता ना, तो उन्हें भी मैं रोही में कभी ना लगाने देती। Hey, beautiful. वैसे हम दोनों कितने मशहूर हो गए हैं, हाँ? जो बात तुम 30 साल में एक्सप्रेस नहीं कर सकी, मैंने 30 मिनट में कर दी। अब होता है। बताओ, कुछ अहम तो नहीं रह गया? You know what I mean, इतनी कॉल्स आ रही हैं मुझे मीडिया से, so I just, you know, want to give them some fresh meat. So अगर तुमने कुछ छुपाया हुआ है तो बता दो। Well, as you wish, my love. What else can I say? You're my love, my darling, my princess. Hey, कहाँ हो अलमास? Thank you.
द सिंफनी ऑफ माय लव। शट अप फिरोज, क्या कर रहा है? हाथ छोड़ो मेरा। ओए ड्राइवर, रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ वरना तुम और तुम्हारी महबूबा बड़े मशकूक हालत में मुर्दा पाए जाओगे। मैंने पहले भी कहा था साहब, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन ये बात आपकी समझ में नहीं आई। हर वक्त अपने रब से एक ही दुआ मांगता हूं कि मेरी जान मेरा रब उस वक्त निकाले जब तक मैं बीबी रानी को दुख और तकलीफ देने वालों की जान अपने हाथों से ना निकाल लूं। What a heroic moment, I must say. अलमास, तुमने तो बड़ी ज्यादती की। हाँ मैं इससे शादी नहीं कर सकती थी तो कम से कम इसको रिहा तो कर सकती थी। तुमने तो इसको 30 साल गुलाम बना के रखा, इतनी मोहब्बत। वाह वाह, याद रखना फिरोज, तुम जो खुद गर्जी में मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो ना, किसी को याद नहीं रहेगा। ये लोगों की याददाश्त इतनी ज्यादा है ही नहीं, मैं तो अपने अलावा और कुछ याद ही नहीं रहता। हाँ आज वो जरूर मजा ले रहे हैं तुम्हारे रचाए हुए तमाशे का, लेकिन कल अखबार उनके सामने कोई नया तमाशा ले आएगा और इस सब तमाशे की कीमत तुम्ही को देनी होगी। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना माजी, ना हाल, ना मुस्तकबिल, सब कुछ खो चुके हो तुम। तुम्हारे हाथों में अगर कोई रिश्तों की लकीर थी ना, वो भी मिट चुकी है। कुछ नहीं रहा तुम्हारे पास। चलो शेराला, वाओ, व्हाट अ लवली कपल, सो स्वीट। ये डेरे के काफी सारे बल्ब फ्यूज पड़े हैं, क्या मसला है? एक तो ये बल्ब भी उस वक्त फ्यूज होते हैं जब किसी मेहमान ने आना होता है। सही, पहले जमाने में कब्बे आया करते थे, अब बल्ब फ्यूज होते हैं। क्या बात निकाली है जालिम। अच्छा ऐसे करो, ये जल्दी से बल्ब सही कराओ कि मेहमान आने वाले हैं। जी सरकार, क्या हुक्म है? लूशा साहब से कहो कि सिकंदर मिलने आए उनसे। ठीक है जनाब, ठीक है। सही, वो सिकंदर कहाँ आए हुए हैं? क्या कहता है? पता नहीं सही, वो एक मौलवी साहब भी साथ हैं, वो बड़े बड़े खातों वाली एक किताब उठाए हुए हैं। बुलाओ उसे। सही तशरीफ ले आए, आपको बुला रहे हैं अंदर, आप यहीं पे ठहरिएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। किस लिए आए हो? मुझे पता है कि अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि मामा और हमारा घर कितना मशहूर हो चुका है। बल्कि आप तो बहुत पहले से जानते होंगे, मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैंने अपने माँ बाप से अलायदगी का ऐलान कर दिया है। अब मेरा कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला हूं। लेकिन अंकल, मुझे रूही से बहुत मोहब्बत है। नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क है।
इश्क भी उसके सामने छोटा लफ्ज है। अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो आप मेरी जान ले सकते हैं। अंकल, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं शादी करना चाहता हूं उससे, बल्कि मैं काजी साथ में लाया हूं। हमारे रोहिलों में पुरानी कहावत है कि सांप के बच्चे को चाहे कितना ही दूध क्यों ना पिलाओ, मगर उसका जहर खत्म नहीं होता। और रोहिला भी जब तक अपने हाथ से सांप को ना मार दे तो रोहिला कहलाने के काबिल नहीं होता। पियानो, मेरा जहर जानता हूं। तुमने साबित कर दिया, तुमने साबित कर दिया कि तुम भी वैसे ही हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों नहीं मार रहा? इसलिए कि मेरी बेटी ने गलती कर ली है तुम्हें पसंद करके, और मैं अपनी बेटी की गलती को गलत नहीं समझता। मैं रोही को बुलाता हूं, अगर वो तुम्हारे साथ चली गई तो मैं समझूंगा कि वो गलती से मेरे पास आ गई थी। लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया तो समझ लेना कि तुमने ऐसी गलती की है कि जिसकी कम से कम सजा मौत है। रोही, जो कुछ तुमने कहना है उससे कहो। ये तुमसे कुछ कहना चाहता है, अब बोलो। अंकल, मैं आपसे बात करने आया हूं। क्या कहते हैं बाबा साईं? ये तुमसे निकाह करना चाहता है, अभी इसी वक्त काजी को भी साथ लेकर आया। क्या ये सच है? मेरे घर में आके मेरे बाप के सामने मेरा नाम इस तरह से लो, क्या समझा तुमने कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे बाप की इज्जत से ज्यादा होगी? जिसे तुम अपने पाँव में रोनते हुए चले जाओ, क्या मैं कुछ नहीं कहूंगी? दबाओ जाओ यहां से, मेरी शक्ल लेके दबाओ जाओ यहां से। मुझे अपने खून से यही तवक्को थी।
मिल गई तुझे सजा, अब इस थप्पड़ को याद रखना।